सर्वे का वो पहला सवाल जो अब मैं आपके सामने रखने जा रही हूं, और पहला सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे को लेकर है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा, क्या इस दौरे से बीजेपी के पक्ष में माहौल बनेगा? और इस सवाल के जवाब के तौर पर जो आंकड़े सामने आए, 57% लोगों का मानना है हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे से बीजेपी को फायदा मिलेगा, चुनावी माहौल में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनेगा। हालांकि 43% लोग ना में जवाब दे रहे हैं। अब आगे दूसरा सवाल इसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे से ही जुड़ा हुआ, और दूसरा सवाल यह आपके सामने आ गया है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इसके शुभारंभ ने क्या बीजेपी को फायदा पहुंचाया है, कितना फायदा पहुंचाया है बीजेपी को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के शुभारंभ से? और इसका जवाब आप देख सकते हैं, 53% का मानना है कि इसके शुभारंभ से बीजेपी को बहुत फायदा मिलेगा। हालांकि आंकड़ा आगे दिखाते हैं आपको, थोड़ा फायदा मिलेगा बीजेपी को ये कहने वाले 20% लोग हैं। और साथ ही एक और आंकड़ा जो आपका इंतजार कर रहा है वो आंकड़ा उन लोगों का है जो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल फायदा बीजेपी को नहीं मिलेगा, और ऐसे कहने वाले 27% लोग हैं। तो कुल मिलाकर ये बड़ी तस्वीर, ये दो बड़े सवालों से जो उभर कर सामने आ रही है। और अब सीधे आपको लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, मैं आपको वाराणसी लेकर चलूं, उससे पहले जौनपुर चलेंगे। पहले पंकज झा हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। कुल मिलाकर पंकज झा, इस चुनावी माहौल में उत्तर प्रदेश में जो काशी मॉडल है वो राजनीति के केंद्र में आकर जरूर खड़ा हो गया है अब। जी हाँ बिल्कुल, और काशी के मॉडल के बहाने ही है ना, जो मामला पहले योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव था, वो धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम अखिलेश यादव होने लगा। जौनपुर से हमारे बीजेपी के नेता सुरेंद्र सिंघानिया, फिर कांग्रेस के हैं विशाल जी, और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के जावेद भाई भी हैं। ये काशी मॉडल से बहुत फायदा होता दिख नहीं रहा विश्वनाथ कॉरिडोर से बीजेपी को। जो ये काशी मॉडल जिसको आप बता रहे हैं, ये कोई राजनीतिक फायदे के लिए इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। चुनाव के टाइम में आप उद्घाटन करेंगे तो टाइमिंग पर तो सवाल उस टाइमिंग देखिए, हिंदुस्तान में चुनाव परमानेंट चलते रहते हैं, ऐसा कोई वर्ष नहीं है जब कोई ना कोई चुनाव न हो रहे हों। और रही इस काशी मॉडल की बात, तो ये इस देश की सनातन संस्कृति है और यहाँ करोड़ों लोगों की आस्था बसती है, और साथ में इस तरीके के बड़े मंदिरों के इर्द गिर्द हजारों लाखों लोगों से पूछता हूँ, ये बताइए कि आपको लगता है काशी विश्वनाथ जो है उसका चुनाव से लेना देना है कि नहीं कॉरिडोर का? चुनाव के इतने नज़दीक किसी चीज़ का अगर उद्घाटन होता है तो उसका सीधा सीधा मतलब चुनाव से है। बताइए, कांग्रेस जो है वो तो चुनावी मैदान में बहुत दिख नहीं रही है, प्रियंका गांधी एक्टिव हैं, फिर क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व कर रही है, काशी विश्वनाथ कुछ है कांग्रेस की उम्मीद? देखिए, जहाँ तक बात कांग्रेस की है, कांग्रेस लगातार इस पूरे सरकार में, इस पूरे सरकार के खिलाफ अगर विपक्ष की भूमिका अगर किसी पार्टी ने निभाई है तो आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व। अखिलेश यादव तो कहते हैं ऐसा नहीं है। भाई ओवैसी साहब कहाँ गए? नहीं है सर, हम तो बनी हुई हैं, हम बनी हुए हैं। प्रकाश थे वो चले गए, फिर वो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, वो वैसी फैक्टर दिख नहीं रहा। नहीं सर, हमको तो अच्छा नहीं है, आपको नज़र आता है हमारी रैलियों में भीड़ आ रही है, लोग हमारे साथ जुट रहे हैं, और हमको लगता है 2022 में हम बिहार की तरह यहाँ अच्छा करेंगे कहते हैं। अच्छा, आप लोग बताइए कि क्या आप सबको लगता है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो उद्घाटन हुआ है उससे बीजेपी को फायदा होगा? सर, उससे फायदा बीजेपी को नहीं होगा जो है, क्योंकि पब्लिक अब जान चुकी है कि भाजपा का जुमला है ये धर्म के नाम क्या कहते करती है। काशी जो विश्वनाथ का मामला है, चुनाव पीरियड में जो एक होटलों को लुभाने का मामला है जी, मोदी जी सही समय ये पे तो मानेंगे ना, जो हुआ अच्छा हुआ। ये तो अच्छा हुआ, ये तो एक धर्म के नाम अच्छा हुआ है, आस्था के लिए। आप बताइए, आप क्या कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो भी कहें चुनाव की बात हो, लेकिन सरकार ने किया। देखिए, किसी भी धर्म को, अपने धर्म के मंदिर को या मस्जिद को किसी भी चीज़ को बढ़ावा देना अच्छी बात है, लेकिन उसके नाम पे राजनीति करना एक बात सवाल रोमाना होती है ना कि फिर राजनीति ना आए। लेकिन एक बात सही भी है कि आप कभी भी करेंगे कुछ ना कुछ तो उस पर मौके आ जाते हैं और बहाने मिल ही जाते हैं, और जब जिसकी सरकार होती है इस तरीके के फैसले तो लिए ही जाते रहे रोमाना। बिल्कुल, आइए जरा सीधे अब दर्शकों को लेकर चलते हैं रणवीर के पास, वाराणसी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और जानते हैं रणवीर से कि काशी की जो दिव्यता भव्यता देखने के लिए मिल रही है, क्या वो बीजेपी को सत्ता दिलाएगी? जी देखिए, आज जो यहाँ कल कार्यक्रम हुआ है उसके बाद आज से क्या माहौल बदला ये जानने के लिए पीयूष वर्धन जी भारतीय जनता पार्टी से, पीयूष जी सबसे पहले पूछूंगा, बीजेपी तो वैसे भी यहाँ पे वाराणसी मजबूत थी, लेकिन इस कार्यक्रम के बाद क्या मानते हैं कि कितना मजबूत और हो जाएगी? कल के कार्यक्रम के बाद तो वो निश्चित जो हम नारा देते हैं कि 300 के पार वाला,
तो वो 350 नियर अबाउट वो चला गया है। और कल आप सड़कों पे जब आप घूम रहे थे हम लोग, तो लोग जैसे अपने आप में बम थे कि जैसे एक कई वर्षों के बाद, कई सैकड़ों वर्षों के बाद जो है ऐसा कोई जो है कार्य हुआ है जो सनातन धर्म को जो है को और आगे आसानी हो जाएगी आप लोग को घर पे जा के लोगों से वोट मांगने की, ये सब चुनाव में ये सब बात लेके जाएंगे? निश्चित हम ये बात लेके जाएंगे, क्योंकि धर्म है, धर्म लोग कहते हैं कि धर्म 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 हम कर रहे हैं, लेकिन इस धर्म के पीछे एक ये इंफ्रास्ट्रक्चर से भी इसको जोड़ा जा सकता है, क्योंकि इसमें 1,000-2,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, उसमें इंजीनियर्स लगे होंगे, लेबर लगे होंगे, मिस्त्री लगे होंगे, तरह तरह की चीज़ें। जनता से पूछ लेते हैं, बाबा कल जो कार्यक्रम हुआ उससे भाजपा का फायदा होगा? निश्चित तौर पर फायदा होगा, क्योंकि जनता जो है ये मन बना चुकी है कि हम सरकार बीजेपी की बनाएंगे, और इन्होंने जो 300 कहा, मैं कहता हूँ कि 400 के लगभग सीटें इसको मिलेगी। इतना भरोसा आप भी अखिलेश की तरफ बोला, आप लोग बताइए सर क्या लग रहा है माहौल इस बार? सर मैं तो झारखंड से आया हूँ, कल ये मुझे यातायात में थोड़ी असुविधा लग रही थी यहाँ, लेकिन तब भी अच्छा काम किया हूँ यहाँ। अच्छा, आप बाहर से, खैर आप बताओ, आप बताइए क्या माहौल रहेगा? माहौल जो है बनारस में तो कुछ कहना ही नहीं कि माहौल क्या है, चूँकि मोदी की सरकार तो सुनिश्चित तय है, क्योंकि नमामि गंगे जो चालू किए हैं, और गंगा तरंग रमणी से जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया है ना, सौराष्ट्र डेट से, और मल्लिकार्जुन होते हुए विश्वनाथ जी आए हो, और यदि यहाँ आए हैं तो निश्चित तौर पर ये बनारस भर नहीं, जहाँ जहाँ प्रसारण जाता है और जहाँ जहाँ मोदी की जो है थोड़ा भी बात सुनाई देती है, इससे जो है निश्चित। अच्छा सर ये बताइए, मोदी जी रात को निकल गए सड़कों पर डुबकी मारे दिन में गंगा जी में, ये सब तस्वीर जो है आम जनता को लुभाएगी? सर ये लुभावने की बात नहीं, कर्मठता की बात है कि मोदी जी में विपक्षी पार्टियों में बहुत बड़ा अंतर है। अंतर ये है कि लोग जो हम कहते हैं वो एग्जाम्पल नहीं सेट होता, वो कहते नहीं, वो करके दिखाते हैं। लोगों की भावनाओं को जिंदा रखा है, लोगों को पिछले पार्टियों विपक्षी पार्टियों को हम देखते हैं तो लोगों को मन में ये था कि कोई होप नहीं था जीवन में, सबकी आशाएं मर रही थी, पर मोदी के आने से लोगों की आशाएं जगी। मोदी जी इसके आने से आशाएं जीवित हो गई? हाँ, जीविका तो अच्छा हो रहा है, मगर हम बंगाल से आए हैं, हम भाजपा का भी एक कार्यकर्ता है मंडल स्तर का, तो हम 2009 से आ रहा है, हमारा बहन का शादी इधर हुआ है, तो जो पहले का जो डेवलप और आज का डेवलप बहुत बढ़िया हुआ है। जो काशी विश्वनाथ का जो मंदिर हम लोगों ने सपने में भी जो नहीं देखा था वो मोदी जी ने करके दिखाया। बंगाल से यहाँ आके अच्छा लगा? हाँ। तो देखिए इस तरह की प्रतिक्रिया लोगों की है कि आशाएं जो थी यहाँ गंदगी और गलियाँ देख करके, वो आशाएं अब जो है उम्मीदों में बदल गई हैं, और काफ़ी काम हुआ है, कई काम होना बाकी है, लोगों को उम्मीद है वो भी जल्दी हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर आपके साथ जो लोग हैं ना रणवीर, वो तो पूरी तरीके से इस वक्त मोदीमय नजर आ रहे हैं हमें काशी में। जरा अयोध्या लेकर चलते हैं दर्शकों को, संजय त्रिपाठी के पास, और उनसे ये जानते हैं कि भाई काशी का यूपी के चुनावी मूड पर कितना प्रभाव। संजय? बिल्कुल रोमाना, और काशी से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आए थे, सभी ने वो तस्वीरें देखी थी जब उन्होंने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, और हमारे साथ अलग अलग विचारधारा से जुड़े साधु मौजूद हैं। महाराज जी, क्या लगता है मोदी जी काशी गए, काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर का लोकार्पण किया, कितना असर पड़ेगा? किस में? चुनाव में? जी चुनाव में तो भाई ये इस समय भाजपा का दौर ही ऐसा चल रहा है फीता काटने का, क्योंकि हो सकता है अगले 15-20 दिन में आचार संहिता लग जाए, तो जो इनका प्रोजेक्ट है जिसपे आधा अधूरा भी अगर काम हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि कॉरिडोर का काम फाइनल हो गया, अभी एक स्टप कार्य और भी बाकी है। कुछ हजार स्क्वायर फीट में बना हुआ था कॉरिडोर, अब कुछ लाख स्क्वायर फीट में बन गया है, तो काम तो हुआ है। बहुत बहुत काम अच्छा है, यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए बड़ा सुविधा हो गई और अच्छा कार्य है, लेकिन केवल एक कॉरिडोर का कार्य कर देने से, और इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है और केवल तीर्थों का विकास और तीर्थों में थोड़ा बहुत कार्य कर देने से नहीं होता ना, विकास कार्य के अलावा भी जो है महंगाई की मुद्दा होता है, चुनाव में महंगाई भी मुद्दा हो सकता है, और उसके बाद बेरोजगारी भी मुद्दा हो सकता है, तो इस पर भी चुनाव होगा। जी महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा होगा तो तीर्थ स्थलों के विकास का मुद्दा क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं लोग जाएंगे मोदी जी की तरफ? भाई देखिए, विकास का मुद्दा होना चाहिए और राजनीति में धर्म नहीं लाना चाहिए, धर्म से दूर होकर के राजनीति होना चाहिए,
चूँकि जब धर्म आएगा तो राजनीति में विवाद होगा, कभी हिंदू कभी मुस्लिम, लोग कहते हैं हिंदू खतरे में रहता है, ईसाई 1% है वो नहीं खतरे में है, सिख 1% है वो नहीं खतरे में है, केवल हिंदू 80% है तो खतरे में है, केवल ये बीजेपी का प्रोपेगंडा है और इस पे केवल धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं और इनसे कोई महंगाई और विकास से इनके कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ये लोग केवल केवल उन्माद फैला करके चुनाव जीतना चाहते हैं। दिलीप दास जी, क्या लगता है कि जो प्रधानमंत्री ने कॉरिडोर का लोकार्पण किया है कितना असर डालेगा चुनाव में? बिल्कुल, काशी तो विश्वनाथ की धरती है और मुक्ति की नगरी है। हमको तो ऐसा लगता है कि सब लोग काशी की तरफ जा रहे हैं, गंगा वही जाता, गंगे तब दर्शनार्थ मुक्ति, अब इस सत्ता मुक्त होने वाले हैं और काशी विश्वनाथ जिसको अपना लें समझ लो उसकी मुक्ति होने वाली है, अब इस सत्ता से मुक्त होने वाले हैं और ये बहुत हो गया। 1984 से पूरा देश देख रहा है धर्म की राजनीति, धर्म के नाम पर राजनीति कब तक चलेगी? आखिरकार विरासत भी विकास भी, ये मंत्र जो बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया जा रहा है वो कितना कारगर पार्टी के लिए साबित होगा? ABP News आपको रखे आगे।